हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे कुछ कौन सा पार्ट के बारे में जो कि एवेंजर एंड गेम के हैं, जो कि मूवी में रिलीज नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा। साथ ही साथ बात करेंगे डीसी से रिलेटेड अपडेट के बारे में और बात करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। और इस वीडियो में कुछ ओल्ड अपडेट भी है, तो आप कमेंट में ऐसा ना बोलना कि भाई ये तो पुराना अपडेट है, आपने अब क्यों बताया। वो इसलिए बताया क्योंकि आज तक वो मैंने कभी वीडियो में यूज नहीं करा, तो मैंने सोचा कि वो सारे अपडेट इस वीडियो में इंक्लूडिंग कर लिए जाएं। तो सबसे पहले आप जो पोस्टर देख रहे हो इस वीडियो में, वो एक ऑफिशियली पोस्टर है मूवीज के, जो कि आज तक कभी रिबिल्ड नहीं करे गए, पर अभी हाल ही में रिबिल्ड करे गए, तो काफी कमाल के लग रहे हैं, जो कि है एवेंजर एंड गेम, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और भी काफी सारे। अगर आपको ये चाहिए तो आप ट्विटर अकाउंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एवेंजर एंड गेम ऑफिशियली हॉटस्टार पे आ चुकी है, आप जाके देख सकते हो जिसके पास सब्सक्रिप्शन है इसका। लॉस्ट इन द स्पेस नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है इन हिंदी में, आप जाके देख सकते हो, काफी कमाल की टीवी सीरीज है अगर आपको इंटरेस्ट है लॉस्ट इन द स्पेस में। ब्लैक विडो को ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च कर देगा, जो कि काफी कमाल का लग रहा है। और आपको ये चाहिए फुल एचडी में, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो ट्विटर अकाउंट से। उसके साथ ग्रैंड जुके जो फैंस हैं जिनकी अपकमिंग मूवी आ रही सिक्स अंडरग्राउंड, वो भी नेटफ्लिक्स में हिंदी में रिलीज होगी। काफी फैंस पूछ रहे थे कि ये मूवी रिलीज होगी या नहीं, तो हाँ ये कंफर्म हो चुका है। टॉम गैलेक्सी जैक रैन के सीजन 1 सीजन 2 दोनों हिंदी में आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे, काफी कमाल की टीवी सीरीज है, जाके देखिएगा जरूर। द फैमिली मैन की तरह ये थोड़ी सी है। गोस्टबस्टर का ऑफिशियली टाइटल पोस्टर लॉन्च कर दिया गया, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, ये प्रोमो में लॉन्च करा गया है और इसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है, आप सभी जानते हो। उसी के साथ स्कारलेट विच के हमें दो बच्चे देखने को मिलेंगे अपकमिंग टीवी सीरीज में, जो कि वांडा विजन होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस की ऑफिशियली ब्रेप हो चुकी है, जिसमें एक पुराना कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है पॉल वॉकर, ये एक CGI VFX से द्वारा दिखाया जाएगा, आप सभी को पता होगा। और पॉसिबली शायद इनके भाई इनका कैरेक्टर प्ले करेंगे। डिज्नी प्लस जब लॉन्च हुआ था तो उसके पहले ही दिन 10 मिलियन सब्सक्रिप्शन हुए थे, ये एक बहुत बड़ी बात है डिज्नी के लिए। मून नाइट और ब्लेड ये आपस में कनेक्टेड होंगी, जी हाँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे को देखने के लिए, एक्साइटेड हूँ ब्लेड के लिए। और मून नाइट ये आपस में कनेक्टेड होंगी। ब्लैक पैंथर की जो कास्ट थी, उन्होंने सबसे पहले ऑडिशन दिया था ड्रैक्स के लिए, पर वो उसके लिए फेल हो चुके थे, फिर फाइनली उन्हें ब्लैक पैंथर का रोल मिला। स्टार लॉर्ड की जो कास्ट थी पीटर, उन्होंने सबसे पहले कैप्टन अमेरिका के लिए ऑडिशन दिया था, पर वो उसमें फेल हो गए, फिर उन्हें बाद में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कास्ट करा गया। इनसाइडर चैप्टर 5 कन्फर्म हो चुका है, ऑफिशियली हॉरर सीरीज है जेम्स बॉन्ड की, जो कि काफ़ी कमाल की मूवी है, देखिएगा जरूर आप। और फाइनली 5वां पार्ट तो कन्फर्म हो चुका है, आयरन मैन 3 क्रिसमस के दिन लॉन्च होगी डिज्नी प्लस पर। तो सभी को अभी सब्सक्रिप्शन तो आया नहीं, इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, फिर भी अपडेट दे दिया मैंने, सोचा। टोनी स्टार का एक डिलीट सीन आया काफी कमाल का, जी हाँ, जब टोनी स्टार स्नैप द फिंगर करता है तो वो 5 साल बाद चला जाता है सोल वर्ल्ड में, और वो देखता है कि मॉर्गन कितनी बड़ी हो चुकी है, तो काफी कमाल का था। और इसमें एंड में ये बोलता है आई लव यू 3000 किस करते हुए। एवेंजर एंड गेम में लास्ट में टोनी स्नैप द फिंगर नहीं करता है, नेबुला करती है, ये एक स्क्रिप्ट में था जो कि रूसो ब्रदर द्वारा हटा दिया गया। कैप्टन अमेरिका जब अपनी शील्ड देता है फैल्कन को, तो फैल्कन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये एक रियल फैक्ट है। एवेंजर एंड गेम की शूटिंग के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। टीजे मिलर कंफर्म हो चुके हैं डेडपूल 3 में, जी हाँ उनका ये कैरेक्टर दोबारा से रिटर्न होगा, मजा आने वाला है। लोकी टीवी सीरीज में हमें फीमेल लोकी देखने को मिलेगी, जी हाँ ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है, इसकी कास्ट भी कन्फर्म हो चुकी है, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। एज ऑफ द अल्ट्रॉन के लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैप्टन मार्वल भी दिखाई जाती है, पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, पर काफ़ी लोग वो कह रहे हैं कि वो पेपर पॉट्स भी है। थैनोस दोबारा से रिटर्न हो रहा होता है, पर रूसो ब्रदर ने ये सीन भी डिलीट कर देते हैं, जी हाँ अब कैसे रिटर्न हो रहा होता है ये तो अब देखने लायक होता, पर ये सीन नहीं दिखाया गया। रूसो ब्रदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है मून नाइट को डायरेक्ट करने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए। वर्सो पेरी के ऊपर फाइनली ट्रैक पर काम चल रहा है, साउंड ट्रैक पर, जी हाँ। और सेकंड ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपडेट में। फाइनली स्पाइडर वर्स को ऑफिशियली जो उनके गाने होते हैं उनको 2 नॉमिनेशन ग्रैमी अवार्ड के लिए चुना गया है, तो काफ़ी बड़ी बात है। डॉक्टर फैट जो कि ब्लैक एडम में शायद पॉसिबली एक कैमियो हो सकता है, और ये कैपरेंस होगा, जो कि अभी हाल ही में पता चला है उनके प्रोड्यूसर द्वारा। टाइटन सीजन का एक प्रोमो लॉन्च हुआ है, जिसमें कि हमें डैश स्ट्रोक नाइट विंग भी दिखाया गया है, ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, ये लीक द्वारा एक आर्ट है। स्टार गर्ल का एक ऑफिशियली प्रोमो लॉन्च हुआ है, ये एक लोगो है जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, अगर आपको चाहिए फुल एचडी में तो आप जाके देख सकते हो। सुपरमैन के ऊपर एक ऑफिशियली मूवी बन सकती है, जे जो कि सोच रहे कि इसके ऊपर एक मूवी डायरेक्ट करें। साथ ही साथ डेविड ने एक इंस्टाग्राम पे इमेज डाली है जोकर की हार्ली क्वीन की, जो कि एक डिलीट सीन है, एक टेस्ट फुटेज है जो कि अभी हाल ही में रिसेंट में इंस्टाग्राम पे पता चली है। वेनम 2 के ऊपर ऑफिशियली काम हो चुका है, टॉम हार्डी ने अभी हाल ही में रिसेंट में इमेज डाली थी, जो कि हाल ही डिलीट भी कर दी गई। नाइट विंग का ऑफिशियली प्रोमो लॉन्च कर दिया गया है, ऑफिशियली लुक लॉन्च कर दिया गया है कंपनी द्वारा, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है और मुझे ये सूट काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त लग रहा है। उसी के साथ अब बात करते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सेट फुटेज के बारे में। तो US एजेंट का ऑफिशियली लोगो नज़र आ रहा है, सभी लोग उसके ऊपर खड़े हुए हैं और ये सेट इमेजेस अभी हाल ही में रिसेंट में आई है। साथ ही साथ
फैल्कन की भी कुछ इमेज सामने आई हैं जो कि एक जैकेट पहने हुए हैं और जो किसी के साथ खड़े हुए हैं, पर उनका अभी तक कैरेक्टर कंफर्म नहीं हुआ है कि वो एक्चुअल में कौन सा रोल प्ले करने वाली हैं। और आपको मैं बता दूं, ये टीवी सीरीज काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपको नहीं पता अभी तक, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कैप्टन अमेरिका का एक कैमियो भी होगा। जी हाँ, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसी के साथ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का एक ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट है जो कि हाइड्रोमैन के साथ लड़ते नजर आ रहा है, काफ़ी कमाल का लग रहा है। एवेंजर डैमेज कंट्रोल जो कि एक वीआर गेम है, एक वर्चुअल रियलिटी गेम है, उसका एक कॉन्सेप्ट आर्ट आया है जिसमें कि 4 बंदे एक साथ खेल सकते हैं और जो कि लास्ट फाइनल लड़ाई होगी अल्ट्रॉन के साथ, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट आर्ट काफ़ी कमाल का लग रहा है। अब बात करते हैं फाल्कन द विंटर सोल्जर की कास्ट के बारे में। तो इन सबों के ऑफिशियली लुक लॉन्च करे गए हैं जिसमें कि एजेंट 13 काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है और इनका सूट भी बना दिया गया है। अब एजेंट कह सकते हो आप शील्ड तो रहा नहीं, तो वो अपने लिए पर्सनल काम करेंगे, तो सभी का कॉस्ट्यूम और सभी की चीज़ दिखाई गई है, पर किसी के पास भी अपना खुद का शील्ड लोगो नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि सेवेस्टन का लुक तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और उसी के साथ जीमो जो कॉमिक बुक में था एक्चुअल में, उनका एक एक्चुअल में लुक लॉन्च कर दिया गया है। और उसी के साथ US एजेंट काफ़ी ज़्यादा, इनका भी लुक कमाल का लग रहा है। और इससे पहले सेट फुटेज मैंने आपको बताया था कि उनका लोगो भी दिखा दिया गया, वो कैसा लगेगा। उसी के साथ थैनोस बेबी, आप सभी को पता होगा कि जब वॉर मशीन ने बोला था कि थैनोस को हम बचपन में जाके मार देते हैं, तो लुक लाइक ये वही कॉन्सेप्ट आर्ट है जो कि मूवी में नहीं दिखाया गया और डिलीट कर दिया गया, पर काफ़ी कमाल का लग रहा है। पर ये मुझे थोड़ा डरावना भी लग रहा है। और आप देख सकते हो थैनोस ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे कोई बीमारी है कुपोषण की, जिसे खाना पीना नहीं दिया गया है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आर्ट आया है काफ़ी कमाल का जो कि है हल्क से रिलेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, जिसमें कि हल्क पूरा आर्मर को तोड़ते हुए बाहर निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसा मूवी में होता तो मज़ा आ जाता। वॉर मशीन का एक ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट आया सामने जिसमें कि एक पीछे मशीन है उसके जो कि उसको खड़ा कर रखी है, क्योंकि उसके पैर तो चलते नहीं थे तो वो सूट की मदद से चलता था। एक कॉन्सेप्ट आर्ट आया कैप्टन अमेरिका का जो कि है टाइम ट्रेवलिंग सूट, ये भी काफ़ी कमाल का लग रहा है जो कि स्टार लॉर्ड के हेलमेट से ज़्यादा मिलता जुलता है, वही टेक्नोलॉजी सेम है। उसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आर्ट आया जिसमें कि हल्क स्पाइडरमैन को फेंकता है और हल्क को फेंकता है एंटमैन, काफ़ी कमाल का लग रहा है। वॉर मशीन का एक नया आर्मर देखने को मिला जो कि 007, पर ये मूवी में चेंज कर दिया गया जो कि बस्टर आर्मर के साथ दिखाया गया। और इसी के साथ हमें थैनोस का प्लेनेट दिखाया गया, ये भी एक स्टोरी का था बिहाइंड द सीन का थैनोस का, पर ये भी नहीं दिखाया गया। और थैनोस की पूरी फैमिली दिखाई गई है, थैनोस को भी दिखाया गया जो कि बचपन में कैसा था, तो शायद ये वही डिलीट सीन हो सकता है जिसमें हमें बताया गया कि थैनोस रिटर्न हो रहा है। शायद हमें बैक स्टोरी भी दिखाई जाती थैनोस की। एक रेस्क्यू आर्मर की एक नई ऑल्टरनेट इमेज आई है जो कि रेड और पर्पल में है, काफ़ी कमाल का लग रहा है। रॉकेट रकून का भी एक ऑल्टरनेट डिज़ाइन दिखाया गया कौन सा पार्ट में, तो ये वो सारे कौन सा पार्ट हैं जो कि डिलीट कर दिए गए। और एक कौन सा पार्ट आया सामने ब्लैक पैंथर का, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैटमैन से ज़्यादा मिलता जुलता है, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोल भी रहे थे कि भाई ये तो बिल्कुल सेम ब्लैक पैंथर का कैप्टन अमेरिका और ये सॉरी बैटमैन से मिलता जुलता लग रहा है, सॉरी वो कैप्टन अमेरिका गलती से बोल दिया, वीडियो बहुत लॉन्ग है ना तो याद नहीं रहता है। उसी के साथ सबसे कमाल का लगा मुझे ब्रूस बैनर का, इसकी और भी काफ़ी सारी इमेजेस हैं जो मेरे ट्विटर अकाउंट पर डली हुई हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है। और उसी के साथ जब ब्रूस बैनर एंशियंट वन से मिलता जाता है तो वो आराम से बैठी होती हैं और चिल कर रही होती हैं, तो ये कैसा सीन था जो कि डिलीट कर दिया गया पर नहीं दिखाया गया। आयरन मैन का फाइनल एक कौन सा पार्ट दिखाया गया मार्क 85 का, ये जो कि फाइनल था जो कि मूवी दिखाया जाना था, तो ये एक फाइनल था। उसी के साथ एवेंजर एंड गेम का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था डिलीट सीन था, जिसमें कि हल्क लोगों को बचा रहा है उड़न एक छतरी पे जिसमें रखा हुआ है सबको, वो भी एक लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में। थैनोस आर्मी में एक और कैरेक्टर इंक्लूडिंग करा जाना था जिसके हाथ में एक वेपन था जो कि बंदूक से सबको मार रहा होता था, ये भी इंक्लूडिंग नहीं करा गया। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में लोकी का ऑल्टरनेट एक डिलीट सीन था पर चेंज करके कुछ और दिखाया गया और मूवी में कुछ और था, कॉन्सेप्ट आर्ट में और कुछ था, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और साथ ही साथ एक नया आर्ट वर्क आया है जो कि है जब रॉकेट इन्फिनिटी स्टोन्स को निकालता हुआ, यानी कि रियलिटी स्टोन को निकाल रहा होता है उसकी बॉडी में से। अब बात करते हैं एक नए अपडेट के बारे में बैटमैन से रिलेटिव, तो बैटमैन में एक और नया विलेन कास्ट करा गया है, वो है क्रिमिनल फाल्कन, तो काफ़ी कमाल का विलेन है जिनके लिए जॉन को कास्ट करा गया है, तो काफ़ी कमाल के एक्टर हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में इनका लुक कैसा होगा। तो गाइस ये थे वो करीब 70-80 अपडेट जो कि शायद मेरे को याद भी नहीं थे, मैं बस इमेजेस देख देख के बोलता गया और उनकी न्यूज़ याद थी, बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए बोलना, पर फाइनली मैंने वो सारे अपडेट कवर कर दिए जो कि मैंने मिस कर दिए थे, वीडियो में नहीं बताए थे। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। और जाते जाते ये कहना चाहूंगा मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, और आपको जो भी कौन सा बात डाउनलोड करने हैं आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, सब फुल HD में मिल जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।